जी एक बात बताइए कि इस बार का जो चुनाव प्रचार होगा आपके लिए बड़ी चुनौती नहीं होगा आपको नहीं लगता क्योंकि जब आप चुनावी मंच पे जाएंगे सभाओं में जाएंगे तो जिन लोगों को पिछले चुनाव में जिन लोगों का आप मंच से जिनके खिलाफ बोलते थे उस बार आपके अगल बगल में खड़े होंगे नहीं जिनके खिलाफ बोलना है, वो सामने है ही ना उद्धव जी सामने हैं शरद पवार जी सामने हैं और मेरे हिसाब से हमारे साथ जो लोग आए हैं उनका नेतृत्व तो उन्होंने ही किया है तो इसलिए हमारे सामने कोई दुविधा नहीं है जी और अगर आप मेरी बात कहें और चुनाव में भी अगर आप मेरा भाषण सुने जी मैं नब्बे प्रतिशत विकास पर बोलता हूं नब्बे प्रतिशत क्या किया इस पर बोलता हूं नब्बे प्रतिशत मेरा विजन क्या है इस पर बोलता हूँ दस प्रतिशत केवल मैं राजनीति पर बोलता हूं मैं ऐसा मानता हूं ये चुनाव निगेटिव मैंडेट का है ही नहीं ये देखिए एक निगेटिव मैंडेट का चुनाव या एंटी इनकम्बेंसी का होता है ये प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है इसमें निगेटिव मैंडेट का सवाल ही नहीं ये चुनाव तो इस चीज़ पर होने वाला है कि मोदी जी ने क्या किया है और मोदी जी क्या करने वाले हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को गाली देने की ज़रूरत है गाली दे के मैं अपना श्रम अपने शब्द क्यों खराब करूं मैं तो मोदी जी ने क्या किया ये बताऊंगा और लोग हमको वोट देंगे